अब उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सुपरस्टार रजनीकांत और अमिताभ बच्चन की जोड़ी पूरे 30 साल बाद फिर से वापस आ चुकी है बड़े पर्दे पर फिल्म वेटैया में। और इस फिल्म ने रिलीज होते ही पहले दिन दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी कर डाली। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे वेटैया फिल्म के फर्स्ट डे होल लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म ने दुनिया भर से पहले दिन कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि वेटैया फिल्म अगर आपने देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी। तो दोस्तों वेटैया एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिस फिल्म में सुपरस्टार रजनीकांत अमिताभ बच्चन के अलावा हमें राणा दग्गुबाती और फहद फासिल भी देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो यह फिल्म एक तमिल मूवी है लेकिन इस फिल्म को तमिल के अलावा हिंदी, कन्नड़ा और तेलुगु चार भाषाओं में रिलीज किया है। अब दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स ने इसका मैक्सिमम प्रमोशन सिर्फ तमिल लैंग्वेज में किया और फिल्म में अमिताभ जैसे एक बड़े सुपरस्टार है उसके बावजूद भी इस फिल्म को हिंदी में सही से प्रमोट नहीं किया गया, जिसके चलते ही फिल्म को हिंदी मार्केट में जितनी बड़ी ओपनिंग मिलना थी उतनी अच्छी ओपनिंग इस फिल्म को नहीं मिल पाई। जी हां दोस्तों, इस फिल्म के मेकर्स से चाहते तो अमिताभ बच्चन के होने की वजह से फिल्म को हिंदी मार्केट में अच्छा खासा प्रमोट करते तो शायद ये फिल्म हिंदी मार्केट में भी एक तगड़ी कमाई कर जाती। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फिर भी इस फिल्म ने पहले दिन साउथ लैंग्वेजेस में ही पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया और एक बात कंफर्म हो गई है कि यह फिल्म रजनीकांत सर के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर फिल्म भी बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें वेटैया फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं इस फिल्म का बजट, रिकवरी और स्क्रीन काउंट। तो यहां पर दोस्तों वेटैया फिल्म को सभी भाषाओं में दुनिया भर के अंदर 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया है। और बात करें फिल्म के बजट की तो दोस्तों इस फिल्म को बनाने का खर्चा 160 करोड़ है, वही इस फिल्म में काम करने की फीस रजनीकांत की 125 करोड़ रुपए, वही फिल्म के प्रमोशन में 15 करोड़ खर्च किए गए थे। यानी कि दोस्तों वेटैया फिल्म का जो टोटल बजट है वो लगभग 300 करोड़ रुपए का हो चुका है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही एक अच्छी कमाई ऑलरेडी कर चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के जो डिजिटल राइट्स से वो साउथ लैंग्वेजेस के 90 करोड़ में अमेजोन प्राइम को बिक चुके हैं, वही दोस्तों इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स से वो 65 करोड़ में बिके हैं, साथ ही साथ फिल्म के म्यूजिक राइट्स 16 करोड़ में बिके हैं, वही इस फिल्म के हिंदी राइट्स को बेचा गया है 27 करोड़ में। यानी कि दोस्तों इस फिल्म ने रिलीज होने से पहले डिजिटल, सैटेलाइट, म्यूजिक और हिंदी राइट्स से बेचकर 198 करोड़ की कमाई ऑलरेडी कर ली थी। जी हां दोस्तों, इस फिल्म के प्रोड्यूसर फिल्म को रिलीज करने से पहले ही लगभग 200 करोड़ के आसपास की कमाई तो कर चुके थे। अब अगर बात करें फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन की तो दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर फिल्म के रिलीज होते ही पहले दिन मॉर्निंग वाले शो से वो तमिलनाडु में सुबह से ही पूरी तरह से हाउसफुल रहे, वही दोस्तों फिल्म को कर्नाटका में भी काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। इसके अलावा फिल्म को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। तो दोस्तों यहां पर वेटैया फिल्म अपने पहले दिन तमिलनाडु से ग्रॉस कलेक्शन 23 करोड़ का कर रही है, वही कर्नाटका से लगभग 8 करोड़ रुपए, वही तेलुगु स्टेट से यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 9 करोड़ रुपए और केरला से लगभग 4 करोड़ रुपए। अब बात करें हिंदी मार्केट यानी कि नॉर्थ इंडिया के तो दोस्तों आपको बता दें कि नॉर्थ इंडिया में इस फिल्म का हिंदी वर्जन साथ ही साथ तमिल और तेलुगु वर्जन भी रिलीज किया और फिल्म तीनों वर्जन से नॉर्थ इंडिया में लगभग 3 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो फर्स्ट डे ऑल इंडिया ग्रोस कलेक्शन है वो लगभग 47 करोड़ का हो रहा है, वही फिल्म पहले दिन ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 28 करोड़ रेंज में कमाई कर रही है। इसी के साथ दोस्तों वेटैया फिल्म का जो फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 75 करोड़ रुपए की रेंज में हो रहा है। जी हां दोस्तों, फिल्म पहले दिन दुनिया भर में लगभग 75 करोड़ रुपए कमा रही है जो कि एक तरह से काफी बढ़िया ओपनिंग है। अब देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में इस फिल्म के कलेक्शन में ड्रॉप आता है या ग्रोथ। हालांकि पूरी उम्मीद है कि अगर यह फिल्म ऑडियंस को पसंद आएगी तो शायद यह मूवी रजनीकांत सर की पिछली फिल्म जेलर की ही तरह बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर सकती है। हालांकि दोस्तों अगर आपने वेटैया फिल्म देखी तो यह फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।